डॉक्टर रोना, इसका क्या मतलब है? क्यों बुलाया गया है मुझे? देखिए, दिस इज जस्ट अ रूटीन कॉन्वर्सेशन. नो, दिस इज नॉट अ रूटीन. इस एजेंसी का कंसर्न है कि इस मिशन के बाद आप इस काम के लायक हैं या नहीं. आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं पागल हूं? नो, डिडंट से दैट. अच्छा ठीक, फिर से बताएंगे क्या हुआ था उस मिशन में आपके साथ, थोड़ा डिटेल में. अल्फावन, मैं पृथ्वी से दूर जा रहा हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे इंजन थ्रस्टर्स क्यों ऑफ हो गए. मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन रीस्टार्ट नहीं हो रहे. मिस्टर अमा, प्लीज डोंट पैनिक. पहले तो हमें ये बताइए कि आपका फ्यूल कंपोजिशन क्या कहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लेवल क्या है. अल्फा वन, ऑक्सीजन 20%, हाइड्रोजन 65%. डू यू कॉपी? मिस्टर अमा, आपके फ्यूल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है. देखिए, घबराइए मत. आपके राइट में एक इमरजेंसी पैनल है, उसमें एक बटन है ग्रीन कलर का, प्लीज आप उसे दबाइए. ओके. लेकिन मिस्टर अमा, हम आपको वार्न करना चाहते हैं, ऐसा करने से आपके केबिन की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, शायद आपको तकलीफ भी हो सकती है. आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं राइट? ये मेरे पृथ्वी पे पहुंचने का आखिरी चांस है और आप छोटे से तकलीफ की बात कर रहे हैं. आपका ऑक्सीजन खत्म भी हो सकता है मिस्टर अमन, क्या आप ये चांस लेना चाहते हैं? यस. तो फिर बटन दबाइए मिस्टर अमर. एक बार फिर से दबाइए मिस्टर अमा. आपको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? कुछ नहीं हो रहा है. आई एम सॉरी मिस्टर अमा, ये आपका लास्ट चांस था. व्हाट? लास्ट चांस था मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि अब मैं पृथ्वी पे नहीं लौट पाऊंगा? जी जी. मैंने आप लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये मिशन कंप्लीट किया और आप मुझे यहीं छोड़ देंगे इतनी आसानी से? अरे कोई दूसरा तरीका तो होगा, कुछ तो होगा. सॉरी अमर. अल्फा वन, अल्फा वन रिप्लाई. कोई और तरीका होगा, देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव वे. अल्फा वन, गॉड डैम इट, रिप्लाई. आप लोग खुद जानते हैं कि मेरा वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन था, फिर भी लौट के आया मैं, कैसे बताइए. सो आप ये कहना चाहते हैं कि स्पेस में आपने कोई अजीब सा जीव देखा जो अपने आप आपके स्पेस क्राफ्ट में आ गई, उसने आपके स्पेस क्राफ्ट को फंक्शन कर दिया जिसकी मदद से आप धरती पे लैंड हो गए, राइट? देखिए, इट्स अ मिरेकल. सोचो कि चमत्कार हुआ है और आप बच गए. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच गए. सर, मैंने ये जरूर कहा
कि मैं बच गया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे बचाना चाहता था। सर, वो मुझे नहीं, स्पेस क्राफ्ट को बचाना चाहता था, ताकि वो उसमें बैठकर हमारे ग्रह पे आ सके, और वो आया भी। तो फिर बताइए ना, वो क्या है, कोई चीज या जंतु या फिर दूसरे ग्रह का जीव? यस, और सर वो जो भी है वो इस ग्रह पे है हमारे बीच। मिशन से लौटे हुए मुझे एक महीना हो गया है, और पिछले एक महीने में ये इंसिडेंट मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। तो मैं कैसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे तुमने देखा तक नहीं है? You don't even know, वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? तुम अपने मन के वहम को किसी दूसरे ग्रह के जीव का नाम दे रहे हो। अमर, यू नीड रेस्ट। देखो, हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस धरती के अलावा दूसरे किसी ग्रह पर कोई नहीं रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। There are no aliens. मैं समझ गया, आप लोग जानबूझकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस सब के बारे में जानते हैं और छुपाना चाहते हैं। पर मुझे मालूम है। जैसे कि डॉक्टर द्रोणा, बताइए आइको क्या है? आइको क्या? We don't know. आप सब जानते हैं, and I'm sure that ये बात स्पेस एजेंसी के सारे सीनियर एम्प्लॉयज भी जानते हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर। 1998 में महाराष्ट्र के किसी कोने में एक स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ था, और आप लोगों ने उसे प्रोजेक्ट आइको का नाम दिया था, राइट? आई थिंक हमें किसी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, इनकी तबीयत बिगड़ रही है शायद। इस एजेंसी ने उस बात को अफवाह कहकर दबा दिया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो वाकई में हुआ था। अपनी नौकरी बचाने के लिए अब कितने झूठ बोलोगे तुम? अभी तुम कहोगे डॉक्टर आर्यन भी कोई एलियन है, कोई दूसरे ग्रह के जीव है जो खाने में इंसानों की हड्डियां पका के खाते होंगे, ला 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 ला। आप मेरी बात को टाल रहे हैं डॉक्टर। मुझे मालूम है कि उस स्पेसक्राफ्ट में कोई बाहरी जीव भी था। आप लोग इस बात को ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकते। मुझे जो सुनना था सुन लिया। आई थिंक दिस मीटिंग इज ओवर नाउ। आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं जानता हूं आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप आइए मेरे साथ। अमर जी आइए। पागल नहीं हूं। आइए डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूं, मेरे साथ आया है कोई। जानते आइए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आइए, मैंने देखा है उसे। इट्स अ मिरेकल, सोचो कि चमत्कार हुआ है। और आप बच गए। वो मुझे नहीं, स्पेस क्राफ्ट को बचाना चाहता था, ताकि वो उसमें बैठकर हमारे ग्रह पे आ सके। तुम अपने मन के वहम को किसी दूसरे ग्रह के जीव का नाम दे रहे हो। इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। There are no aliens. आप लोग जानबूझकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तुम कहोगे डॉक्टर आर्यन भी कोई एलियन है, कोई दूसरे ग्रह के जीव है। आप मेरी बात को टाल रहे हैं डॉक्टर। मुझे मालूम है कि उस स्पेस क्राफ्ट में कोई बाहरी जीव भी था। I think this meeting is over now. पागल नहीं हो? अगर मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ आया है कोई। जानते आइए। नहीं है वो।
तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम देखो, तुम अरे यार तुम एक काम करो, तुम ना 20 नहीं, तुम 40% कमीशन ले लो, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी आज की आज बेचनी, समझ रहे हो तुम? और हाँ, तुम ना 3-4 कस्टमर और ढूंढ के रखो, मुझे मम्मी पापा छोटू सबकी सबकी गाड़ी बेचनी है, हाँ ठीक है ना? चलो। क्या हुआ? कौन है? कौन है? जयवंत। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें पता भी है? मशीन से इंसानों से बदला ले रही है, और इस बार तो जिंदा निकल जा रही है। अंक, शांत हो जाओ, पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना हाइपर हो रहे हो? तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या? हाँ, मैंने अभी भी न्यूज़ देखी। मेन रोड पर ना पहले तो एक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, उसके बाद उसी रोड पर पलट गई, चारों तरफ गाड़ी के सिर्फ खून ही खून, ड्राइवर गायब। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ना पक्का कोई नया सुपर विलन है, किलर कार। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो ड्राइवर इंजर्ड हो गया और कहीं आसपास ही हो। अरे ऐसे कैसे आसपास होगा, चारों तरफ घना जंगल। जंगल? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जंगल में से कोई विशालकाय जानवर निकला और उस ड्राइवर पर अटैक किया और उसको निकल गया? मैं तभी कहूंगा, वहां पे कोई हड्डियां ही नहीं मिली है। मैं कहता हूँ ना, तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करो, तुम पैरामिलिट्री बुलाओ, तुम कमांडर बुलाओ, तुम्हें जो बुलाना बुलाओ, लेकिन ना हमें जानों को सबसे पहले खत्म करते हैं, जल्द से जल्द, इससे पहले कि वो सुपर विलन इस शहर में आतंक मचाए ना। लेट्स चेज हिम एंड स्टॉप हिम। मयंक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि वो ड्राइवर कहाँ है और किस हालत में? सीख रहा है मुझसे। पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पागल, मैं जानता हूं कि तुम हो, मैं साबित करके रहूंगा कि तुम मेरे साथ वापस आए हो, मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे पड़े हो, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, क्या चाहता है मुझसे, क्यों कर रहा है मेरा पीछा, What do you want from me? तेरी लाइफ को हेल कर दिया तूने, मैं साबित करूंगा कि तुम हो। चुटकी के क्या डर रहा है, समझो, मरना चाहते हो मुझे, मरना चाहता है, तुम मरता क्यों नहीं, जस्ट गिव मी योर ग्रेव। सबसे पहले मैं दुनिया के सामने साबित कर दूंगा कि तू आया तो मेरे साथ।
मुझे लगा सस्पेंशन का मतलब तो तुम समझते हो, लेकिन लगता है तुम वो भी याद नहीं रहा। याद है ना, अच्छे तरीके से याद है, लेकिन शायद आप जिस आईको का मतलब भूल गए ना, वो याद तेरा नहीं आया हूँ। याद आया? AIKO, आईको। बताइए, आईको क्या है? What do you mean? डॉक्टर, अरे डॉक्टर, याद है वो बाहरी जीव जिसके बारे में बात कर रहा था? आप सोच रहे थे कि मैं पागल हूं? ना तो अगर वो भारी जीव मेरे अलावा आपको भी दिखे क्या करोगे? कहना क्या चाहते हो तुम? दिखाई दे रहा है क्या? मतलब आप भी पागल हो गए? डॉक्टर, मेरा नहीं तो कम से कम इसका तो विश्वास करो। आज तो वही है जो गाड़ी में मिला था। हाँ, इसका मतलब गाड़ी यहीं की है। सर, क्या हम आपके किसी सीनियर ऑफिशियल से मिल सकते हैं? एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी। जी सर, ऊपर थर्ड फ्लोर पर। ये जो स्पेस एजेंसी है ना, सुना है हाल ही में इसका एक मिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है। क्वाइट एन अचीवमेंट। आई नो, आई हर्ड अबाउट इट। थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए थे पर उन्होंने संभाल लिया। मुश्किल सिचुएशंस में आदमी को ठंडे दिमाग से ही काम लेना चाहिए। ऑल वन नीड्स इज पेशेंस। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अरे सुनिए सुनिए, सिक्योरिटी, अबे मारना मत प्लीज। अरे अरे सुनिए ना, अरे सिक्योरिटी, अरे सर बताइए तो सही आखिर हुआ क्या? आप इनसे क्यों डर रहे हैं? आइए आप। चला दूं? चला। नहीं! सर! आयो, आयो, आयो। कमाल है, ये गन किसी को मारने का काम तो आज तक नहीं आई है? हमें चोट पहुंचा रही है आजकल। Yeah!
मजा। What are you? चाहो वहीं रुक जाओ। Else I'll shoot again. Sir, please don't shoot. इसने मेरी जान बचाई है सर, ये बुरा नहीं है। ये कौन सी भाषा है? घबराइए मत। ये बोला हिंदी। मैं यहाँ आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने या किसी तरह की कोई हिंसा करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक खोई हुई चीज वापस लेने आया हूँ। तुम कहाँ से? सर, ये निमो है, ये इस ग्रह के बाहर से आया है। वो कौन सी चीज है जो तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो? एक बात मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं होंगे तो मैं तुमको कैसे भी करके रोकूंगा। हम तुमको रोकेंगे। जो चीज मैं यहाँ लेने आया हूँ उससे मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उस चीज से आप लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है। आपकी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ऐसी कौन सी चीज थी? आइको। सर, सर अब छुपा के फायदा नहीं है। प्लीज टेल अस द ट्रूथ सर। आपके पास वक्त बहुत कम है, अगर देर हो गई तो पृथ्वी पे आने वाली इस तबाही को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। कितनी तेज चला रहा है? अरे सर जी, बड़े भाई थोड़ा आराम से चलाओ ना यार, तुमने देखा नहीं गाड़ी के चक्कर में इसकी हालत हुई है। अरे भाई, तुम जो बार बार हमें डरा रहे हो ना कि खतरा है, कोई बड़ा खतरा है, वो खतरा है क्या? वो खतरा मैं समझ गया। एलियन की सेना? हाँ, एलियन की सेना, महासेना है ना। जबन जबन, एकम अभी कभी ना गाड़ी साइड में लगा, समझा? तू फोर्स बुला, तुझे जो करना कर, पर ये सब खत्म। मेरा एक दोस्त है ना, वो ना न्यूज चैनल में कैमरामैन है, उसको फोन करके बोल कि पब्लिक को अनाउंस कर दे कि कोई भी अपने घरों से निकले ना, सब अपने घरों में चुपके बैठे रहे। मायंग, फॉर गॉड्स सेक, क्वाइट। समझ नहीं रहा ये। वैसे ये गलत नहीं कह रहा है, एक बड़ा हमला होगा। देख लिया? हमला? कौन करने वाला है हमला? मेरे पिता। डॉक्टर, ये आइको है? यस, नीचे दिस वे। 1987 में पृथ्वी पे एक यूएफओ ने लैंड किया था, हमें उसमें से कुछ मिला, इसलिए हमने उसे छुपा के यहाँ रख दिया अपने रिसर्च के लिए। सर, इतनी बड़ी चीज को छुपाने के लिए आपके पास और कोई जगह नहीं थी? अरे कोई हाई सिक्योरिटी जोन, किसी को पता चल जाता तो? आपको पता चला? आइए। हम उसे पूरी तरह समझ पाते तो हमारी स्पेस एजेंसी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता, इसलिए हम चाहते थे कि ये कम से कम लोगों को पता चले। आपने अपने एजेंसी के स्वार्थ के लिए मुझे पागल करार करके सस्पेंड कर दिया। वाह प्रोफेसर। आइए आइए। ये आइकॉन? यस। ये तो एकदम इसके जैसा है। हाँ, ये मेरे ग्रह से ही है, मेरे पिता का भाई। ये बहुत अच्छे थे, मेरे पिता की तरह नहीं।
बेटा। हाँ गया। लेकिन ये 1987 में यहाँ पृथ्वी पर क्या करने के लिए आए थे? ये उनसे एक चीज चुरा के यहाँ भाग आए थे। क्या चीज? ये ओहो, इतनी छोटी सी चीज में आपके पिताजी ने कोहराम मचा के रखा है। चलो लाओ, मैं उनको दे देता हूँ, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म। दो इधर। नहीं, ये चीज किसी भी हालत में उनके हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये डिवाइस है क्या? ये ऊंचा देख रहे हैं आप? ये एक बहुत ही शक्तिशाली सितारा है जिसके अंदर अपने आसपास की सारी चीजों को खींच कर अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। You mean like a black hole? हाँ। Oh God। किसी तरह से हमारे ग्रहवासियों ने इस सितारे को कैद कर लिया था, और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये शक्ति किसी गलत हाथों में पड़ गई तो कितनी तबाही मच सकती है। पिताजी, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। नहीं, क्या बात है, अपने पिता को इतने समय बाद मिले हो और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं। मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए। बहुत अच्छे निमो, अगर तुम ये जानते हो कि तुम्हारे पिता क्या चाहते हैं तो तुमने उस चीज को हासिल कर ही लिया होगा। आओ, मुझे मेरी ऊर्जा शक्ति दे दो। नहीं पिताजी, मैं वो शक्ति किसी भी गलत हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, ऊर्जा शक्ति मैं अपने साथ वापस लेकर ही जाऊंगा। केविन, केविन तरफ मैं कुछ करता हूं। मुझे मेरी ऊर्जा शक्ति दे दो। कुछ नहीं है मेरे पास, और अगर होता भी ना तो मैं नहीं देता। कहाँ दिखाऊँ इसको, कहाँ रखूँ इसको? मुझे मेरे पास है ही नहीं। कम ऑन मयंक, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सॉरी सर, हम आपको बताने ही वाले थे।
सर, वैसे भी हम सब रात भर से मारे मारे फिर रहे हैं। और वो तो अब इस डिवाइस को लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा एक बात बताओ मयंक, इस वक्त वो डिवाइस और नीमो कहाँ है? सर वो डिवाइस और नीमो दोनों सेफ हैं और हमारे साथ हैं। मयंक मेरी बात ध्यान से सुनो, उस डिवाइस का बाहर रहना सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये डॉक्टर द्रोणा स्पेस एजेंसी से है ना? यस सर। डॉक्टर द्रोणा से कहो कि उस डिवाइस को लेकर किसी सेफ्टी जोन में जाएं और उस डिवाइस को हमेशा अपने पास रखें। डू यू अंडरस्टैंड? ओके कमांडर। ओके मयंक बाय। सर प्रोफेसर सर, इसे आपको किसी सेफ जोन में रखना होगा, ये अब आपकी जिम्मेदारी। पृथ्वी वाले कुशल मंगल, तुम ऐसे कुछ लोग जिन्होंने खाकी कपड़े पहन रखे हैं, वो जनों से उसकी ऊर्जा शक्ति चुरा ले गए, लेकिन वो खाकी कपड़े वाले लोग ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? एनी गेसेस? उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। कोई शक? नो सर। नो सर। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सर सर मुझे भी अपने साथ ले चलिए सर प्लीज। देखो तुम एक सिविलियन हो, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। सर सर इस कहानी की शुरुआत मुझसे हुई है सर। सर देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। मुझे कुछ नहीं होगा सर, लेट मी हेल्प यू प्लीज। ओके कम ऑन। थैंक्स। मेरा बेटा नीमो मेरी ऊर्जा शक्ति मेरे लिए वापस लाया है। लाओ अपने पिता को उसकी ऊर्जा शक्ति दे दो बेटा। नहीं पिताजी, मैं आपको वो शक्ति वापस लौटाने नहीं आया हूँ। रोक दीजिए ये तबाही।
नीमा, तुम अपने पिता के दुश्मनों के सगे बनकर अपने पिता के पास आए हो। नहीं पिताजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ आपको समझाने। रोक दीजिए ये तबाही, वरना कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका, और क्या हासिल कर लेंगे आप ये सब करके? नीमो, इन लोगों की छोड़ो, हमारे ग्रह के लोगों के बारे में सोचो। हमारे ग्रह के लोगों के बारे में नीमो, हम यहाँ अपना अपना साम्राज्य चलाएंगे। मुझे ऐसा साम्राज्य नहीं चाहिए नीमो। मुझे पूरा यकीन था पिताजी कि मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आया एक बेटा होने के नाते। मगर मेरे सामने एक पिता नहीं, एक स्वार्थी जालिम खड़ा है। अपने पिताजी का साथ देने के बजाय तू पृथ्वीवासियों का साथ दे रहा है। जा बेटा नीमो जा, तेरे पिता को तेरी जरूरत नहीं, मैं सब अकेला खुद करूंगा। पृथ्वीवासियों, लगता है तुम्हें मेरी गुलामी का प्रस्ताव स्वीकार, इसलिए मेरी ऊर्जा शक्ति मुझे अभी तक लौटाई नहीं गई। स्पेसशिप तो आगे बढ़ता जा रहा है। बैंक बैंक, नमूने का वक्त खत्म, अब वक्त शुरू होता है सिनोर के आतंक का। अमर, मुझे डॉक्टर द्रोणा के पास ले चलो। ओके, कम ऑन गाइस, रन 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 रन, जल्दी निकलो प्लीज, जल्दी निकलो यहां से। ओह गॉड सर, ये मदरशिप तो मूव कर रही है, अगर हम इसे नहीं रोका ना तो और भी लाके तबाह कर देगी। सर, हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सर, डॉक्टर द्रोणा, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो यान आपके ग्रह पर आकर गिरा था वो कहाँ है? हाँ, वो यही महाराष्ट्र में सलोतर की खाड़ी के पास दलदल में धस गया था। उसे निकाला नहीं जा सका, इसलिए उस पर मिट्टी डाल के छुपा दिया था हम लोगों ने। वो यान मुझे चाहिए। लेकिन निमो, तुम इस यान का करोगे क्या? मैं इंसान तो नहीं, लेकिन इंसानियत के साथ हूं। नो निमो, ये क्या करने जा रहा है? निमो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? की कोई जरूरत नहीं है। अलविदा पिताजी, अलविदा। नीमो, ये तुम
की जान लेने की कोशिश की तुमने सेना, क्या मिला तुम? मेरी औलाद मुझसे छिन गई, मुझे वो शक्ति नहीं थी।